सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। वैसे आज साल का आखिरी दिन है, वैसे 31 दिसंबर है, तो सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी बात कर ले। वैसे साल का आखिरी दिन है, तो हो सकता है इस साल के लिए ये आखिरी वीडियोज हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जैसे नया साल आता है, लोग सोचते हैं कि अपने नए वाले साल में कुछ चीज़ें प्लान करते हैं, लाइक कि जिम जाएंगे, थोड़ी बॉडी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिकाना। सबके अपने अपने थॉट होते हैं, लाइक एक बना लेते हैं कि ये गोल अचीव करना है अगले साल में। तो मेरा गोल सिंपल है, ठीक है, जो मैंने इस साल नहीं किया वो अगले साल भी नहीं करूंगा। और रही बात जिम की, तो वो मैं वैसे भी नहीं जाने वाला, क्योंकि यार बॉडी मेरी बनने वाली नहीं, जो है सो ठीक है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि आज मैं सुबह सुबह सोचा कि आज ब्लॉग बनाऊंगा, तो मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ कंटेंट चाहिए, लाइक कुछ बड़ी अच्छी कंटेंट चाहिए जिसके वजह से मैं वीडियोज़ बनाऊँ। बताए मुझे आज क्या कंटेंट मिला, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते होंगे ना, जो लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि मेरी एक स्टार्टअप थी ZeroSticker.com नाम से, ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सुबह सुबह क्या हुआ कि देखो यार न्यू ईयर आ रही थी, तो सोच रहा था कि मैं अपनी वेबसाइट पे थोड़ा से डिस्काउंट दे देता हूँ, लाइक जो लोग स्टिकर्स खरीद रहे हैं, और वैसे भी न्यू ईयर में थोड़ा डिस्काउंट देना बनता है। ठीक है, तो मैंने बस उसी के लिए आया, मैं अपनी पूरी वेबसाइट एडिट कर रहा था, और उस चक्कर में मैंने पूरी वेबसाइट खा गई, मतलब ऐसा कर दिया वेबसाइट को। दिखाता हूँ, तो ये देखो ये मेरी वेबसाइट अभी पूरी लाइव है, और कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ये बिल्कुल भी कॉमर्स वेबसाइट इसी नहीं लग रही है। आप चाहो तो ZeroSticker.com गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, एकदम पूरी प्लेन वेबसाइट होगी, सिर्फ एक मैसेज है, हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। मतलब पूरी वेबसाइट चली गई यार, ऑलमोस्ट 1 साल 2-3 महीने हो चुके हैं इस वेबसाइट को। मसाई ज्वाइन करने से पहले बनाई थी, और बेसिकली ये ई कॉमर्स वेबसाइट थी, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने इसमें सेल किए थे, बहुत सारे कस्टमर्स थे मेरे, इसलिए मैंने एक अपना स्टार्टअप किया, कुछ अलग कर रहा था मैं, पर वो ज़्यादा ही अलग हो गया आज, मतलब पूरी वेबसाइट ही ख़त्म। कोई नहीं, फिर से मैं सोच रहा हूँ अभी ये साल में इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है यार। अपनी जॉब नहीं लग रही है, अपनी इधर वेबसाइट चली गई, अपना पूरा स्टार्टअप मतलब डूब ही गया एक तरीके से। क्योंकि क्या होना कि आपने एक वेबसाइट बनाया, फिर उसको गूगल पे रैंक कराया, आपके प्रोडक्ट गूगल पे आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उसके बाद आपने पैकेजिंग करा, आपने डिलीवर कराया, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। एक वेबसाइट बनाना सिर्फ इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे मतलब उसके पीछे कहानी होती है। तो फाइनली बन गई थी, सब चीज़ चल रहा था अच्छा, बट आज सब खत्म हो गया है, फिर से मुझे वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा यार। अब मैं थक चुका हूँ यार, मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट करना बड़ा तकलीफ होता है अब। ठीक है, तो आज फाइनली मैंने एक चीज़ सीखी जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, लाइक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि इंसान को फेलियर से सीखना चाहिए। तो मैंने आज एक चीज़ सीखी कि कभी भी आज के बाद कुछ भी बनाऊंगा अपनी लाइफ में, या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, उसका बैकअप प्लान जरूर रखूंगा यार। मतलब कि अगर आपकी पूरी वेबसाइट भी चली जाए ना, तो आप दोबारा से उसको खड़ी कर सको। तो मैंने कोई भी बैकअप प्लान नहीं रखा था, मैंने सोचा था क्या ही होगा यार, मैं ही तो चला रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर कभी कभी गलतियाँ मेरे से भी हो जाती है, तो मेरी गलती की वजह से आज मेरी कंपनी चली गई। बट कोई नहीं, वापस बना लेंगे, और वैसे भी इससे भी अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसको बदल नहीं सकते। तो वैसे देखो यार, वैसे तो मेरी किस्मत ख़राब है, बट दिन तो नहीं, तो चलिए बाहर चलते, कुछ खाते पीते हैं। वैसे क्या है ना कि आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, ठीक है, बहुत जल्दी, उसके वजह से मैं नाश्ता नहीं कर पाया था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बाहर जाते हैं, कुछ खा गया था, लाइक मतलब कुछ अच्छी चीज़ें खाएंगे, तो चलते हैं फिर बाहर। घर से निकलने से पहले मैंने प्लान किया था कि मैं कुछ खाऊंगा, बट इधर आने के बाद प्लान हुआ कि दुख थोड़ा ज्यादा है, तो फिर पीने का प्लान करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली हम घर में बोर हो रहे थे, तो हमने फिर प्लान किया कि कहीं नहीं बाहर जाते हैं, तो हमने फटाफट तैयार हो गए, इधर कुंदन भी तैयार हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ध्रुवा डैम, और हम यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, जिंदगी में बहुत तकलीफ है, पर कोई नहीं, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो वैसे भी साल ख़त्म हो जाएगा, वैसे तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम व्यू को एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मस्त व्यू है, बट ये अजीब सा लड़का यहाँ पे खड़ा हो गया है, तो सारा व्यू अजीब सा हो गया है,
बट कोई नहीं, इसे हम हटा देंगे थोड़ी देर में। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।